तो यहाँ लग गई है बारिश और धूप भी और बारिश भी, कितना गंदा मौसम हो रखा है, लेकिन बारिश आ रही है। धूप देखो कैसे निकली है, कैसा दिख रहा है। और ये आ रखे हैं पहाड़ से काफल, परसों सूरज गया था परमपुरी, तो वहाँ से काले काले काफल लेके आ रखा है और उनको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मेले रखे हुए थे, कैसे हो रहे हैं, मीठे हो रहे ना काफल, टेस्टी हो रहे हैं, देख सकते हैं मीठे मीठे रसीले हैं। फिर तुम लोगों ने खा लेते, मैंने तो खाए हैं, यहाँ कोई लाया था। तो यहाँ पर भी सब्जी कट रही है और ये है बीन्स और इसमें है मीठे करेले, मीठे करेले नहीं तुरई। मम्मी कहते देख रही खा जाएगी जैसे, इसमें है तुरई और ये है बीन। तो यहाँ पर भी पहले हम लोग फटाफट से काफल वफल खाते हैं। अभी हम लोगों ने जो है खाना पीना खा लिया है और अभी तैयारी हो रही है हमारी मेहंदी लगाने की। तो बाहर से लगाते हैं बाहर से, क्योंकि जो है मौसम काफ़ी अच्छा अच्छा और है, और अभी थोड़ी देर पहले जो है बारिश भी हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पर अभी हम लोग बाहर से आंगन में लगाएंगे मेहंदी, और देख सकते हैं बाहर से कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और यहाँ पे को हमारा डुग्गू बेबी क्या कर रहा है, डुग्गू, और सूरज भाई जो है योगा से आ गया, अभी 9 बजे आया। डुग्गू डुग्गी क्या कर रहा, डुग्गू मत मार, डुग्गू तेरे को मार रहे, ओए क्यों कर रहा था, पैर टूट जाएगा तो मत कर वाला पैर से। डुग्गू डुग्गी ए, अभी तो फिलहाल जो है इतनी मेहंदी लगा दी है और अभी और लगाना बाकी है थोड़ा थोड़ा। तो इस साल तो अकेले, इस बार तो मतलब अकेले लगाना पड़ा मेहंदी, तो पिछले साल तक तो गोकुल होते थे मेहंदी लगाते थे हाथों में, तो इस बार अकेले अकेले लगाना पड़ा है मेहंदी। डुग्गू हमारा डुग्गू भी घूमी घूमी करके आ गया है। डुग्गू तू सारे बाल चिपका दे, दूर बैठ दूर, हैं मेहंदी लगाएगा, मेहंदी लगाएगा, मेहंदी दरवाज़ा बंद कर दे, फिर जा गेट, गेट देख खुला है, बंद कर गया गेट, हो गेट बंद कर जा, नहीं कर रहा जा कर दे, गेट बंद कर दे, फिर जा बंद कर दे गेट। तो फिर चलो फटाफट से मेहंदी को कंप्लीट करते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी और बची है मेहंदी। तो यहाँ पे जो है मेहंदी लग गई है, एक हाथ में तो खाली गोल गोल बनाए हैं और एक हाथ में डिजाइन बनाई है थोड़ी थोड़ी, और इस साइड भी थोड़ी थोड़ी बनाई, दोनों हाथ में जो है मेहंदी लग गई है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बुलबुल ब्लॉग एंड योगा पे। तो अभी की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है, सुबह के बज गए हैं 7 और अभी मैं जो हूँ रेडी हो गई हूँ। आज है वट सावित्री, तो अभी हम लोगों ने व्रत ले रखा है, तो फिर अभी मैं रेडी हो रही हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे मंदिर पे, हनुमान मंदिर। तो फिर आप सभी को भी वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और अभी हम लोग भी रेडी हो रहे हैं, तो इसके बाद अभी निकलते हैं हनुमान मंदिर पे। और अभी जो पूजा का टाइमिंग है 11 बजे से 1 बजे तक का है, फिर उसके बाद 1 घंटे का राहु काल है, और उसके बाद फिर 2 बजे से फिर से पूजा स्टार्ट होगी। तो फिर अभी हम लोग जो हैं रेडी हो गए, मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी हनुमान मंदिर पे, तो फिर अभी हम लोग फटाफट से तैयार होते हैं। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं, तो मैंने पहन रखी है रेड कलर की साड़ी। तो फिर चलो फिर अभी हम लोग होते हैं रेडी। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, तो फिर अभी हम जो है रेडी हो गए हैं। पहले मैं अभी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पर सजा रखा है पापा ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा, पापा ने बहुत अच्छा मंदिर सजा रखा है, तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा लग रहा है।
और मम्मी ने भी लगा रखा है, और मम्मी ने भी आज रेड रेड साड़ी पहन रखी है मम्मी, तो मम्मी भी आज खूबसूरत सी दिख रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो मम्मी भी शीशे में देख के पिठियाँ लगा रही है। तो मैं लगाना पहली हूँ। अभी हम लोग दोनों रेडी हो गए हैं, और हमारी मंदिर की जो थाल है यहाँ पे को वो रेडी हो गई है, पिठियाँ भी हमने तैयार कर लिया है, बाकी इसमें पूजा पाठ का सामान जो है रख लिया है, और इसमें फूल रख लिए हैं। तो फिर अभी हम लोग चलते हैं, और मम्मी भी जो है रेडी हो गई है। मम्मी चलें, मम्मी अब तैयार हो गई। सूरू भाई का जो है ऑफिस चल रहा है, तब तक हम लोग पूजा पाठ करके आते हैं मंदिर से। और बाहर से आज खूबसूरत सा मौसम देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छी धूप भी आ रही है, लेकिन थोड़ी उमस भी हो रही है, और काफ़ी अच्छा सुहाना सा मौसम हो रखा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मम्मी के प्लांट कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, और काफ़ी अच्छा अच्छा हरा हरा पूरा ग्रीन ग्रीन से गार्डन बना रखा है मम्मी ने। तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे को, तो अभी हम लोगों ने जाना है यहाँ पे को, जाएंगे मंदिर पे, तो अभी सब लोग आएंगे, तो अभी हम लोग इकट्ठा एक साथ जाएंगे, अभी इकट्ठा जाएंगे। तो फिर अभी हम लोग तो तैयार हो गए हैं, तो अभी आंटी लोगों का वेट कर रहे हैं, और मैं और मम्मी तो तैयार हो गए हैं। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से मंदिर की तरफ। तो अभी हम लोग पहुँच गए फाइनली मंदिर में, और यहाँ पर है शिव जी का मंदिर। तो अंदर यहाँ पर बहुत सारी महिलाएँ बैठी हुई हैं वटसावित्री पूजा के लिए, तो यहाँ पर अभी इस तरीके से बैठे हुए हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर पे, और अभी हम लोग पहले सोचते थे कि हनुमान मंदिर जाएंगे, पर हनुमान मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग अपने ही बगल के मंदिर पर आए थे। यहाँ पर है शिव जी का मंदिर, और यहाँ पर सारी महिलाएं आ रखी हैं, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है, पिछौड़े में नथमांटी का पहने हुए काफ़ी सुंदर लग रही है। तो फिर अभी यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, अभी हमारी पहली शिफ्ट चल रही है, और अभी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी थाल जो है सजा दी है, सारा सामान रख दिया है, तो इसके बाद दूसरी शिफ्ट चलेगी। तो यहाँ पर सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, और काफ़ी खूबसूरत और सुंदर सी लग रही है। चलो फिर यहाँ पे को जो है हमारे पंडित जी भी पहुँच गए हैं, तो अभी हम लोग पूजा पाठ में अब शुरू करते हैं।
चलो अब अपना अपना गोला पकड़ो, फायदा जो फिरते रहेगा आपका। चलो अभी हमारी पूजा जो है समाप्त हो गई है और अभी हम लोगों ने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं। तो फिर अभी यहाँ पे वो मम्मी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और शिवलिंग में भी जल चढ़ा रहे हैं। तो फिर अभी बाहर से जो है हमारी जो पूजा है वो समाप्त हो गई है और बाहर से दूसरी शिफ्ट वाले लोग बैठे हुए हैं, तो हमारी पहली शिफ्ट थी। तो फिर अभी हम लोग भी चलते हैं घर को और काफ़ी देर भी हो गई। अब हम लोगों ने यहाँ पर सब्जी काट दी है, इसमें काटे हैं आलू और तुरई और इसमें है बीन्स। तो हमने सब्जी काट दी, मिक्स सब्जी बनाएंगे आज। और यहाँ पे को मम्मी मलाई बनाने की मतलब घी बना रही है, मलाई को अभी अच्छे से फाड़ रही है। तो अभी टाइम हो गया, ऊपर बज गए हैं 6, तो अभी पापा का आने का टाइम भी हो गया। आज तो मम्मी बनाएगी खाना है, तो मम्मी भी तैयारी में लगी है खाना पीना बनाने में। आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ और घमोरियाँ सी हो गई पेट में। तो अभी मौसम जो है थोड़ा अभी बाहर से तो अच्छा और ठंडा सा और है, तो मैं आपको अभी यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। अभी तो फिलहाल थोड़ी थोड़ी धूप जो है जा चुकी है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो अभी यहाँ बाहर से ठंडी हवा चल रही, काफ़ी अच्छा सा मौसम और है, खूबसूरत सा। और अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी उमस हो रही है, लेकिन बाहर जो है अच्छा वाला मौसम और है। सबसे ज़्यादा मज़े तो हमारे डुग्गू के आ रहे हैं ना, गली में बैठ के कितनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है ना डुग्गू, गली में अच्छी हवा चल रही है ना डुग्गू के, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि हर चीज अच्छी अच्छी हवा आती है ठंडी डुग्गू के, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना ठंडी हवा खा रहा है। चल फिर बैठ जाए, बाय बाय डुग्गू। अभी जो है अंधेरा हो गया है और अभी मैं पहुंच गई हूँ मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो अभी मैंने कथा भी पढ़नी है। कंचन भागवत हर
कर दें जनावर और माँ जी की आरती करें। अभी हम लोग जो है पूजा करके आ गए हैं, पूजा पाठ कर ली है और मम्मी ने यहाँ पकवान बना दिए हैं और पूरी बना रखी है, यहाँ पर गाय के लिए रखी है और ये मंदिर के लिए रखा है और यहाँ पर अभी मम्मी बना रही है पुए। किस चीज़ के हैं? सूजी के, आटे के। मम्मी ने सूजी के पुए बना रखे हैं तो यहाँ पर पूरी भी बन गई है और ये हैं पुए मंदिर में। अभी रखती हूँ। इसमें बनी है मिक्स सब्जी, इसमें सब्जी बनी है हमारी पनीर की मिक्स सब्जी, इसमें छोले बने हैं और रायता भी फ्रिज में रखा होगा ना, रायता मम्मी ने फ्रिज में रखा है। मम्मी बेटा